वीडियो बन गया क्या भाई? भाई ये अनुभव सैनी है, मेरा पुराना स्टूडेंट, अब ये बीटेक कर लिया है इसने, इंजीनियर हो गया है और आजकल जॉब की तैयारी कर रहा है और गेट की तैयारी कर रहा है। आज मिलने आया होली पर, बहुत बहुत स्वागत अनुभव। कैसा लग रहा है इतने सालों बाद आया? सर काफी अच्छा लग रहा है। कितने टाइम बाद मिल रहा है आपसे? सर मैं आपसे 6 साल बाद मिल रहा हूँ। 6 साल बाद मिलने आ रहे हो, देख रहे हो भाई, टीचर की याद ऐसा आती है बच्चों को, बीटेक करने के बाद 6 साल बाद ही मिलने आ रहे हैं। होली पर आए हैं, मम्मी के हाथ की मिठाई लेकर आए हैं, अभी खोल के नहीं देखा मैंने, खोलना अनुभव इसको, देखते हैं क्या भेजा आपसे मम्मी। ये प्यार जो होता है ना भाई बच्चों का, ये 2015 में पढ़ते थे मुझे सर, 2015 में उससे पढ़ते थे, इनकी मम्मी ने हमारे लिए भेजी है गुंजिया, अचानक आया एकदम ये घर पे मिलने, और अभी बीटेक कर लिया, इंजीनियर हो गया, मतलब तब तो छोटा बच्चा लगता था, दाढ़ी वाड़ी नहीं है इस टाइम, है ना, थोड़े थोड़े बाल आए तो अब देखो बड़े बच्चे हो गए हैं, लेकिन अच्छा लगता है ये जो प्यार होता है ना कि इतने सालों बाद, 6 साल बाद बच्चा मिलने आता है आपसे। तो भाई कॉफ़ी पीते हैं, बात करते हैं अनुभव से, अगर कुछ अच्छी बात हुई तो वीडियो बनाकर बताएंगे आपको। और किसी टीचर के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कोई बड़ी फीस नहीं है इससे कि आपका बच्चा आपसे मिलने आ जाए दोबारा इस ज़माने में। आजकल तो रिश्तेदार मिलने नहीं आते, बच्चा तो क्या मिलने आएगा। और ये ऐसे अधिकार था अनुराग सर, अनुराग सर, अनुभव सैनी, मुझे यार अनुभव सैनी, अभी अनुभव बहुत सारे बच्चे पढ़ाए, लेकिन अनुभव सैनी नाम याद था, मुझे वो मेरा बच्चा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते थे लैब में, पीछे खड़े रहते तू, सोना वाला एक्सपेरिमेंट, 9th क्लास में कैपेसिटर याद है, देख लो इसको भाई। तो भाई थैंक यू, और मेरा बस यही रहता है कि प्यार होना चाहिए, ये मतलब दिल मांगे प्यार ओनली, बस और कुछ नहीं। बाय।